किया है एंड इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ग्लास बेस रखा है, ग्लास मेकअप जिसको बोलते हैं। सो किस तरीके से ये करना है मैंने यहाँ पे इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में बताया, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एंड यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया किस तरीके से आप इस लुक को अचीव कर सकते हो। सो थोड़ा सा वीडियो पसंद है एंड आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना एंड एंड तक वीडियो देखना। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई लव माई आई मेकअप लुक। आई मेकअप ये मैंने ग्रीन स्मोकी आई किया है, ये शिमर है, यहाँ पे मैंने ग्लिटर यूज़ नहीं किया। आप शायद आप ग्लिटर भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है एंड मुझे इसी तरीके से वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था लुक। सो मैंने इसको इतने ही सिंपल रखा है। दिस इज़ माई बिफोर लुक। सो फर्स्ट हम अपने हेयर को जो है लॉक करेंगे। हेयर बैंड लगा सकते हो या क्लिप लगा सकते हो, आपके ऊपर है वो। सो यहाँ पे मैंने हेयर बैंड लगाया एंड सबसे पहले हम अपने आईब्रोज़ को फिल करने वाले हैं। स्पूली लेंगे, अपने आईब्रोज़ को सेट करेंगे और जहाँ जहाँ पे गैप्स दिख रहे सिर्फ मैं वहीं पे फिल करने वाली, ओवरलाइन हम नहीं करेंगे आज। आईब्रोज फिल करना हमारे मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके वजह से जो है ना हमारे फेस का एक शेप दिखता है एंड मैं आईज़ पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। आप मेरे और भी बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो, मेरे चैनल पे है। सो यहाँ पे मैंने आईब्रोज़ को फिल कर लिया और फिर कंसीलर से अपने आईलिड को सेट किया है, पूरा मतलब बेस बनाया है। देन मैंने लिया था ब्राउन शेड, लाइट ब्राउन लेके पहले मैंने अच्छे से उसे ब्लेंड किया है। देन मैंने लिया है यहाँ पे ब्लैक काजल। आप ब्लैक जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड इस मेथड से आप कोई भी कलर में अपना जो है ना स्मोकी आईज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये ग्रीन शेड लिया, आप ब्लू ले सकते हो, रेड, वाइन, जो भी आपको पसंद हो आप इस तरीके से बहुत ईजिली क्रिएट कर सकते हो। सो ब्लैक कलर मैंने यहाँ पे क्यों यूज़ किया, ब्लैक कलर लगाने के बाद उस पर आप कोई भी कलर जैसे डिप करोगे ना वो बहुत अच्छे से उभर के दिखता है। सो यहाँ पे मैंने फ्लफ़ी ब्रश लिया है और फिर उसे भी अच्छे से ब्लेंड कर दिया क्योंकि कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट एकदम इवन सा जो है लुक आना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे फिंगर से लिया है शिमर आई शेडो क्योंकि वो ब्लेंडिंग के बाद उड़ जाता है, दिखता नहीं उतने अच्छे से। सो फिंगर की हेल्प से लगा सकते हैं और आप ज़्यादा पिगमेंटेड आएगा। एंड यहाँ पर मैंने वाइट आई लाइनर लिया है, बहुत ही मतलब ज़्यादा मोटा नहीं लगाएंगे बट हाँ उसके नीचे हमें ब्लैक आईलाइनर लगाना है तो आप देख करके लगा सकते हो कि वाइट आईलाइनर भी दिखना चाहिए उसके ऊपर। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉल आउट हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे आई मेकअप पहले कर लिया है। जितना भी फॉल आउट हुआ है उसे हम रिमूव करेंगे टिश्यू से। हमारा जो आई मेकअप है वो हाफ डन हो चुका है, अब हम अपने बेस पे आते हैं। यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया, आपका जो भी फेवरेट मॉइस्चराइज़र आप वो लगा सकते हो एंड मॉइस्चराइज़र थोड़ा ज़्यादा करके लगाना क्योंकि हमारी जो स्किन है वो थोड़ी सॉफ्ट हमें चाहिए। सो फर्स्ट मैंने इस तरीके का ये कैप है, ये फाउंडेशन का मेरा कैप है और फिर उसमें मैंने फाउंडेशन लिया है, दो ड्रॉप लिया मैंने एंड फिर हाइलाइटर मिक्स किया उसमें। एंड आप इसमें कोई भी सीरम भी मिला सकते हो, मुझे इतना ही चाहिए, ज़्यादा मतलब हाईलाइट भी करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। सो यहाँ पे मैंने नॉर्मली लिया है और इस तरीके से ब्रश से हम अपने फेस पे पहले अप्लाई करेंगे फाउंडेशन, देन आप ब्यूटी ब्लेंडर से, वेट ब्यूटी ब्लेंडर से आपको उसे ब्लेंड करना है। सो यहाँ पे मेरा जो फाउंडेशन है ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ग्लास स्किन इसी तरीके से बनता है। आप चाहो तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो बट ना वो आपके बेस को केके कर देता है। सो यहाँ पे नेक्स्ट मैंने अप्लाई किया है कंसीलर। कंसीलर को हमें ब्लेंड करना है और जहाँ जहाँ हमें अपने बेस को हाईलाइट करना होता है वहीं पे कंसीलर अप्लाई करते हैं। आप चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर अपने पूरे फेस को हाईलाइट नहीं भी करना चाहते हो तो अंडर आइज़ पे ज़रूर कंसीलर लगाना क्योंकि ना हम जब स्मोकी आइज़ करते हैं वो थोड़ा डार्क रहता है हमारा जो आईलिड है। सो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अंडर आइज़ को थोड़ा सा मतलब लाइट रखें तो वो मैनेज करता है हमारे फेस पे। और ये अभी थोड़ा ज़्यादा वाइट लग रहा है बट इतना ज़्यादा भी वाइट नहीं है मेरा बेस एंड वो थोड़ा सेट हो जाएगा कुछ देर के बाद। सो लोअर लैश लाइन पे भी सेम मैंने लिया है ग्रीन कलर को लेकर के अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई किया है और फिर मैंने अपने फेस को किया है ब्राउन्स। कॉन्टूर नहीं करेंगे, कॉन्टूर हम नहीं करने वाले हैं, कॉन्टूर बहुत ज़्यादा शार्प कर देता है। सो यहाँ पे मैंने ब्राउनर किया है एंड ब्लश अप्लाई किया और फिर यहाँ पे मैं अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर, इससे एक अलग ही लुक आता है। एंड आप अपने ब्रॉ बोन पे भी हाइलाइटर अप्लाई कर लो एंड ब्रिज ऑफ द नोज़। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो ये लुक आपको कैसा लगा और इस तरीके की वीडियोस देखना आपको पसंद है।
सो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं और भी चाहूँगी कि मैं क्रिएट करूँ। और मैं ना इस तरीके का हैवी मेकअप करना, मतलब पहले मैं बहुत ज़्यादा बनाती थी इस तरीके के वीडियोस, बट बीच में थोड़ा स्लो डाउन हो चुका था। मतलब नॉर्मली मैं वीडियोस बना रही थी, बट अब मैं फिर से चाहती हूँ कि मैं रेगुलर करूँ। और सो यहाँ पर मैंने लिया है मस्कारा, हम अपने लैशेस को कर्ल करेंगे मस्कारा से, और बहुत अच्छे से लगाएं आप, दो दो कोट करके लगा सकते। और उसके बाद फिर आप अपने लैशेस को लगा लो। किस तरीके से लगाना है अगर आपको नहीं आता है तो मेरे चैनल पे वीडियो है, वो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ब्राउन शेड लेकर के मैंने अपने लिप्स को किया है आउटलाइन, फिर मैंने न्यूड लिपस्टिक लिया है और उसे फिल कर दिया है पूरे। और दिस इज़ माई फाइनल लुक, होप यू लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।